लेकिन एक बात कहूँ भाभी, ऐसे तो सूरज सा को ये कड़वी कड़वी चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है, ऐसे तो कभी ना पीते थे, लेकिन आज तो कमाल हो गया भाभी। हाँ पता है, उन्होंने खुद भावों से कहा कि जाके काढ़ा बनाए। हाँ, और खुद भी फटाफट पी गए। ऐसे तो अच्छा किया, जल्दी आराम मिलेगा उन्हें, है ना? आराम से भाभी, जल्दी काढ़ा पी लीजिए, मैं जाती हूँ। हाँ लेकिन काढ़ा पी लीजिए। सूरज जी खुद तो बताएंगे नहीं कि आखिर उनके मन में क्या है। अब मुझे ही कुछ सोचना होगा। सूरज जी ये दवा ले लीजिए, 15 मिनट में आपके सर का दर्द ठीक हो जाएगा। ठीक से खड़ी नहीं हो सकती क्या? फल के बिना पूजा अधूरी होती है। दिन भर भूखा रहना पड़े तो भी मैं रहूंगी, पर फल के बिना पूजा नहीं कर पाऊंगी। आप वक्त का बहाना लेके इसे और नहीं डाला जा सकता संध्या जी। या तो आप यहां रह के सारे रिश्ते ऐसे निभाए जैसे निभाए जाने चाहिए, या फिर पांच गर्मा गर्म समोसे और आधा किलो लड्डू देना। जी। बस अब बहुत हुआ, मैं संध्या जी को और तकलीफ नहीं दे सकता। मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि बस वो चली जाए यहां से, उन्हीं के भले के लिए। भैया जरा जल्दी करो। जी भैया, कुछ बात करनी है आपसे। क्या छवि? लेकिन यहाँ नहीं, हम कहीं बाहर चल सकते हैं क्या? चलते हैं। अपुरा। जी भैया। थोड़ी देर के लिए दुकान संभाले, मैं आता हूँ। ठीक है। कहाँ चले गए थे? घर की तो कोई चिंता ही ना है ना आपने? सूरज कुछ बता कर गया था क्या आपने? नहीं, मुझे कुछ बताया नहीं उसने। दुकान पर भी नहीं, कहाँ क्या होगा हमारा छोरा। लियो, 1000 साल की उम्र है हमारे छोरे की, कहाँ गया था रे छोरा? बाबू मैं तो एक काम से गया था, लेकिन बाबू थारे से एक जरूरी बात करनी है मुझे। हाँ खाने का समय हो गया बेटा, हाथ मुंह धो ले, मैं खाने की तैयारी करूँ। हाँ खाते खाते बात कर लो, आ जा। चल आएगा। मीनाक्षी, इन्हें मैं परोस देती हूँ। जी। बात की है, जिठानी जी जेठ जी को खाना परोस रही है। बड़ा प्यार आ रहा है, कहीं कहीं आसमान की बारिश के साथ दोनों में प्रेम बरखा भी तो नहीं बरस गई। जेठ जी को देखते लगता तो नहीं है अभी भी कच्चे कद्दू की तरह सखत सखत और रूखे रूखे से बैठे हैं, पर
फिर के बात होगी। सूरज जी, ये गर्म है। तूने बताया नहीं मुझे कि छवि के लिए रिश्ता है। भाई की तो कोई पीड़ा ना देखी उससे आज तक। जब खुद की बेशर्मी दमदमाई तो बीरा याद आया। रे छोला, तुझे कुछ पता ना है कि के गुल खिलाया थारी लाडो ने? अपने लिए रिश्ता पसंद किया है उसने। सात पीढ़ियों में भी किसी ने ऐसा ना किया हो जैसा थारी बहन ने कर दिखाया है। माने तो विश्वास ही को नहीं होगा कि यह छोरी ऐसा कारनामा कर दिखाएगी। तू सिर्फ एक बात बता मुझे, ये वो लड़का कैसा है? कोई कमी है उसमें या फिर वो छवि के लायक ना है? और छवि लायक कौन है ना बेटे? ऐसा रिश्ता है अगर हम ढूंढते ना तो भी ना मिल पाता है। लड़का स्वभाव का बड़ा अच्छा, हीरा हीरा, और नौकरी भी अच्छी है। आप ना, मने तो लगे है कि आजकल आप पान में अफीम के छींटा देने लगे। इतना भी होश को नहीं? जब दुनिया इस प्रेम विवाह के मामले में हंसी उड़ावेगी तो किसकी गोदी में जाकर छुपोगा? अरे दुनिया तो यही कहेगी ना कि माँ बाप और तीन भाइयों की नींद ही ना खुली होगी जब तो बेटी घर से बाहर निकलकर किसी से प्रेम संबंध जोड़ दिया। मारा राम जी, मारा ही कर्म फूटेड़ा है। अबो, ये दुनिया वालों को क्या है, चार दिन बोलेंगे फिर से चुप हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे बात छवि की जिंदगी की है और छवि ने ऐसा कुछ ना किया है जो आज तक इस धरती पे किसी ने ना किया। भाबो, आजकल जमाना बहुत बदल गया है। आजकल अगर शादी लड़के लड़कियों की मर्जी से ना हो तो उनके लिए रिश्ते बोझ बनते देर ना लगते। छोरा, और मने लागे है कि अब तक थारी भाबो और थारा बाबा साथ जिंदा है, थाने चिंता करने की जरूरत नहीं। भाबो, एक बात कहूं, अब जमाना पहले जैसा ना है भाबो, और आजकल की लड़कियां इतनी सीधी भी ना है कि जहां पे उनके माँ बाप ने रिश्ता कर दिया उसी को उन्होंने अपना जीवन साथी मान लिया। भाबो, आजकल की लड़कियां पढ़ी लिखी, उनकी अपनी सोच है और अपनी पसंद है, और ऐसे में उनके लिए उस रिश्ते को लात मारते देने लगती। ना खुद खुश रहती हैं और ना ही दूसरों को खुशियां देने लायक हो पाती हैं। अबो, ऐसे में ज्यादा दूर क्यों जाए, पलट के अपने ही घर में जाके देख लो। हमने सहा वो दूसरे क्यों सहे? हाँ छोरा,
अरे मारा ठाकुर जी, छवि भी तो पढ़ी लिखी है। अरे मैं तो इस धोखे में रह गई कि पढ़ने लिखने से इंसान ने समझ आवे, वरना ये न जानती थी कि पढ़ाई लिखाई कुछ पढ़ी लिखी छोरियों के दिमाग में घर मिल जावे। वो क्या है ना बाबू, दिलीप जी का रिश्ता अच्छा है। हमें बाकी सारी चीजें परे रख के इसके बारे में गहराई से सोचना चाहिए। एक बार मैं दिलीप जी से मिलके आया हूँ। बिल्कुल चौपट कर, बहुत अच्छे इंसान है और छवि के लायक भी है। और बाबू जब दुनिया ताने मारेगी तो मुंह नहीं छुपाएंगे, और हाँ गर्व के साथ कहेंगे कि हमारे लिए हमारी इज्जत बेइज्जती से बढ़कर हमारे अपनों की खुशी है। इसलिए बाबू अगर तुझे ठीक लगे तो मैं दिलीप जी और उनके घर वालों को फोन करके बुला लेता हूँ। देख संतोष, तू जिद छोड़ दे, तू अपने अंदर की संतोष ने जरा थपकी देके सुला दे और इन बच्चों की माँ को, इनके भाभू को जगा दे। जिद छोड़ दे संतोष, मान जाना। अरे भाभू, गर्दन ऊपर नीचे करके मत हिलाना, दाएं बाएं करके हिलाना। बुला ले उन्हें। जा जाके ठाकुर जी को ढोक दे क्या, बहुत उपकार है उनको तुम पे। जो वो किसी को उसका प्यार दिलवा देते हैं और सही रिश्ते जुड़वा देते हैं। अरे गई भैंस पानी में, तेरा कभी भला ना होगा छवि। जी वो हम चाहते हैं कि आप लोग कल हमारे यहां पधारें। जी जैसे आपकी मर्जी। ठीक है जी, राम राम। बाबू वो लोग कल ही यहां आके सगाई की रस्म करना चाहते हैं। संतोष बधाई हो। बाबा साहब बधाई हो। सब भूल जाना आप, अब सच्चे मन से राजी खुशी रहे, सब बढ़िया होगा। और वैसे भी छवि की खुशी से बढ़ के हमारे लिए और कुछ ना है। छवि का गणगौर का व्रत सफल हो गया। अगले साल गौरी माता से कहूंगी कि मेरा भी व्रत सफल कर दे। चतुरी आप खड़ी खड़ी ऐसी बातें करती रहेगी या सबका मुंह भी मीठा कराएगी? जल्दी आ जा। ये लीजिए। अरे ले, पहले इधर लाओ। सांप लूट रहे हमारे शरीर को। अरे भाई तू खा पहले, इधर से। मैं डाइटिंग कर रही हूं। ओ डाइटिंग की दुकान। अरे इधर आ, डाइटिंग वाली इधर पकड़ से पकड़। अरे वो डाइटिंग चल रही है। छवि तुम्हें खा
जानी पड़ेगी। बंद करोगा कि नहीं? मीना बिनणी, तूने एक के लिए बढ़िया बढ़िया साड़ी निकाल ली है। जी जी बाबू। और हाँ बड़ी बिनणी, तू चतुरी के साथ मिलकर स्टोर रूम से बर्तन निकाल लिए। जी बाबू। चलिए विक्रम, मोहित, कल के लिए लगने वाली सब्जी और दूध आज ही लेकर आ जाओ। जी बाबू। हे मारा राम जी। अरे हाँ सूरज, एक काम कर, तू बाबा साहब के साथ बैठकर कल के मेक के लिए लिफाफे तैयार कर ले। हाँ। और भाई जी, भैया तो थारे मुंह पर आधी दुनिया का तेज चमक रहा है, पर फिर भी मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा लियो, रंग बढ़िया खिलेगा। बस आप यहां खड़े हैं, मैं आपको वहां पे ढूंढ रहा था। जी। नेक देने के लिए नामों की सूची बना लेते हैं। लिख बेटा। जी। ओ, दिलीप जी की माँ के लिए 11,000 नहीं 1101। हाँ। और पिताजी के लिए 2001 और दिलीप जी के लिए 5001। सूरज, बेटा हमारे लिए वो वाराणसी गंगा जी को जाने के लिए टिकट निकलवा दे और जल्द से जल्द। है तुझे भी क्यों का जवाब देना पड़ेगा सूरज, अब और सहा नहीं जाता मारे से बेटा, इस घर में मारा दम घुट रहा है। बाबा साहब अभी क्या कह रहे हैं? बाबा साहब उस दिन आपको मैंने दुकान पे समझाया भी था। बाबा साहब आप संध्या जी का मुंह छोड़ दीजिए, बाबा साहब उनका जाना ठीक होगा। सूरज, बिंदली के जाने के ख्याल से ही तकलीफ हो रही है, तरह तो कलेजा हर पल चीरता जा रहा होगा। बेटा तू नहीं जी पाएगा उसके बिना, तू जी तो छोड़ देना, तू और थारे साथ साथ ये घर भी, इस घर की खुशी अभी सब तहस नहस हो जाएगा बेटा। तू अपना फैसला बदल लेना बेटा, तू बिंदली से बात करना, तुम दोनों समझदार हो, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी बात मान बेटा, मान हमारी बात, बिंदली ने एक मौको दे दे बेटा। सूरज
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।